Hello everybody, welcome to my channel Ishmita's Kitchen. आज मैं दो नया रेसिपी आप लोग से शेयर करूँ. नया रेसिपी मतलब बंगाली लोग में ये रेसिपी बहुत फेमस है और कॉमन है. तो ये मैं बना रही थी, मैं जो शेयर करती हूँ आप लोगों से. ये रेसिपी है लाउ चिंगरी. लाउ चिंगरी ये बहुत फेमस है. और ये मैं इसमें 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाला और उसमें डाल दिया दो तेज पत्ता और 2 सूखा लाल मिर्च. अब इसमें डालूंगी, इसको थोड़ा पहले तेल में थोड़ा हिला लेती हूँ. करीब 1 मिनट इसको तेल में हिला लेना है. और इसमें थोड़ा जीरा, साबुत जीरा 1 टीस्पून डाल दूँगी. 1 टीस्पून साबुत जीरा ये पहले थोड़ा तेल में इसको हिला लेना है अच्छा से. और फिर थोड़ा अदरक, मैं जो ग्रेट करके अदरक रखा था 1 टीस्पून करीब, वो अदरक भी इसमें डाल दूँ. बस ये हो गया. ये मेन इसको थोड़ा हिला लिया और फिर इसमें आप डाल दो ये कटा हुआ लौकी. लौकी ऐसा सब्जी है, बहुत ही हेल्दी सब्जी है. इसका बहुत गुण है, जैसा शुगर का पेशेंट जो लोग है, डायबिटीज का पेशेंट, वो लोग के लिए लौकी बहुत ही अच्छा सब्जी माना जाता है, हेल्दी सब्जी माना जाता है. और ये उबला हुआ माने लौकी का पानी अगर उबला हुआ खाओ तो बॉइल करके उसका पानी भी डायबिटीज में बहुत हेल्प करता है, शुगर कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है. तो ये बहुत ही थोड़ा ढक दिया. फिर इसमें थोड़ा होने के बाद इसमें थोड़ा मैं ऐड करूँगी सॉल्ट और हल्दी. सभी आप लोग भी सोचते हो, आप लोग भी सभी बनाते हैं, अपना अपना तरीका होता है. हम लोग भी कैसे बनाते हैं वो बता रहे हो. हल्दी 1 टीस्पून करीब. बहुत तो हल्दी डालता भी नहीं है लौकी का सब्जी में, तो मैं यहाँ पर डालू या थोड़ा कलर आ जाएगा. और वो हल्दी है और 2 हरी मिर्च भी मैं इसमें थोड़ा स्प्लिट करके डाल दूंगा. क्योंकि जो लोगों को तीखा उठा नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं सूखा लाल मिर्च डाला, तो अगर ज्यादा नहीं सीखा चाहिए तो हरी मिर्च नहीं डाल सकते. जैसे जैसे पक रहा है मैं बोला थोड़ा आप लोगों से बात भी करूं, क्योंकि बात करने के लायक तो बहुत कुछ हो रहा है चारों तरफ. ओमिक्रॉन इतना ज्यादा स्प्रेड कर रहा है चारों तरफ से, बड़ी संबात हो रहा है. पार्शल लॉकडाउन का हो रहा है जगह जगह, वही चीज घूम फिर के वही हम लोग वही पर आके हो रहा है. 2-3 महीना का राहत मिला फिर दोबारा वही हाल हो गया. और ठीक है, हम लोग अभी इसको लेके रहना सीख गया. ज्यादा इसको लेके हम लोग को दिमाग में भारी नहीं करना है, खाली जो रूल्स गवर्नमेंट लोग डॉक्टर लोग सब बोल रहे हैं वो रूल को फॉलो करना है, तभी हम लोग को वो. तो मैं आशा की बात ये है जो ओमिक्रॉन ज्यादा वो नहीं है, क्या बोलते हैं ज्यादा माने वो तो है, क्या बोलते हैं संक्रमण जो होता है
एक दूसरे से फैल जाता है जल्दी, पर इट इज़ नॉट हॉस्पिटलाइजेशन अभी तक कम है। तो पहले जैसे डेल्टा वेरिएंट में जितना लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा था, ऑक्सीजन का कमी हो रहा था, ये सब इसमें नहीं दिख रहा है, बोल रहा है माइल्ड है, सिम्टम ज़्यादा माइल्ड है। बट कुछ कुछ फिर भी मानो जिसको इम्यूनिटी कम है, वीक है बॉडी, या कोमॉर्बिडिटी है उसको कुछ हो सकता है, डेथ हो रहा है, एकदम नहीं हो रहा है। अब ओरिजिनल कोविड की साथ माइंड के साथ साथ कोविड भी है, तो जब ज़्यादा पीक में जाता है तब तो आपको सावधानी बरतना ही पड़ेगा। तो एवरीबडी प्लीज आप लोग थोड़ा खुद ही बोल रहे हो आप लोगों को साथ, तो थोड़ा हम लोग जो बोलता है ना एंजॉयमेंट मेरीमेंट घूमते में इतना मन होता है करने के लिए, ये सब थोड़ा कम करके फिर वो जल्दी जल्दी चला जाएगा और उतना ज़्यादा नहीं लंबा नहीं खींचेगा, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने से जितना ज़रूरी है उधर लोग का काम काज सब चलते रहे, बिजनेस चलते रहे, जॉब ना जाए, उतना तो करना ही पड़ेगा। उससे थोड़ा सावधानी बरत के, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग थोड़ा सा न्यू ईयर क्रिसमस सब मनाया, इसीलिए सब चीज बढ़ गया। तो अभी देखिए मेरा लौकी करीब करीब अच्छा पर्पज भी अलग रहे ना बिचारे कभी भी होगा थोड़ा। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा शुगर, तो हम लोग को थोड़ा मीठा खाता है, थोड़ा सा मीठा देने से स्वाद लगता है। हाफ टीस्पून से थोड़ा ऊपर एक टेबल टीस्पून, हाफ टीस्पून से एक टीस्पून जैसे जैसा मीठा आप पसंद करते हो थोड़ा सा मीठा इसमें ऐड कर दो तो स्वाद बढ़ेगा, अच्छा लगेगा। ये देखो लौकी मेरा करीब करीब हो गया है, अभी इसमें मैं ऐड करूंगी जो प्रॉन, मैं बोला था मेरा प्रॉन जो बना हुआ है या मैरिनेटेड शैलो फ्राई कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रॉन को ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा जैसे मैरिनेट कर दिया हल्दी और नमक से थोड़ा देर रख के फिर थोड़ा तेल में आप थोड़ा जस्ट जैसे थोड़ा शेप पकड़ लिया थोड़ा सा फ्राई कर लो, नहीं तो क्या होता है ज़्यादा हार्ड हो जाता है प्रॉन। तब ये जो चिंगड़ी मच्छी, चिंगड़ी माछ बोलते हैं हम लोग इसको, इसीलिए सर नाम लाओ चिंगड़ी पड़ा प्रॉन, इसको मैं इसमें मिला रही हूँ। मेरा रेडी, मेरा लाओ चिंगड़ी रेडी है। सो ये है मेरा लाओ चिंगड़ी, ये चावल का साथ आप दे सकते हो, रोटी के साथ, चावल के साथ भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, और रोटी रोटी के साथ भी खा सकते हो, मेहमान आने से बनाओ, बहुत बहुत ही बढ़िया है ये लाओ चिंगड़ी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ये रेसिपी अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरा रेसिपी, और बहुत ईजी है बनाने में, ज़्यादा कभी नहीं है, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय फॉर नाउ, थैंक यू।